किराया तक क्यों नहीं दिए? पंद्रह दिन हो गया हमारे आदमी आपके पीछे आगे पीछे घूम रहे हैं, पैसे पैसे नहीं है तो पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? देखिए भैया, हम उसे इज्जत से बात कर रहे हैं। इज्जत उज्जत में नहीं आना, किराया कब मिलेगा? देखिए हम आपके कॉलर तक नहीं गए हैं, आप हमारे कॉलर तक बताइए। भाई हमें पैसे से मतलब है, कॉलर से मतलब नहीं है। देखिए बहुत देर से आपसे कह रहा हूं लिहाज होने की बात कीजिए, लेकिन आप लिहाज होने की बात नहीं कर रहे, खाना तक आ गया। और रही बात पैसे की और जमीन की, तो मैं आपको किराया नहीं दूंगा। ये जमीन हमारी है, इस जमीन पे आपने कब्जा किया है, हम अपनी जमीन का पैसा आपको नहीं देंगे। चले जाइए यहां से, नहीं तो आपको जमीन नहीं मिलेगी। अब पिल्ले भी कुत्ते बनने लगे हैं, 15 दिन से हमारे आदमी को घुमा रहे हो, ये काम ठीक नहीं सरकार, ठीक नहीं की हो, ये अंजाम बहुत बुरा होगा। ए रजुआ, डांट दे, डांट देगा, हमका भगावे की बात की जमीन से, हमारे जमीन पे हमका भगाए, यहाँ डांट देगा सारे का चक्कर तगवाए बिना रहा, कहानी के सारे खत्म करा तुरंत आज, ये ज्यादा ऊपर बोल दूंगा। अरे नहीं सरकार, चाहे दीजिए सरकार, आपको किराया मैं समय पे ला के दे दूंगी, मैं वादा करती हूँ, भगवान के लिए जाने दीजिए सरकार, चले जाइए सरकार यहाँ से, चले जाइए। जा तो रहा हूँ, आज आपने इसे बचा लिया, अगली बार अगर ये आवाज उठी तो ये आवाज यही दबा दी जाएगी। जा तो मैं किराया समय से ला के देना, चल रजू चल चल। तेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? तेरी आंखों से आंसू नहीं, आग निकल रही है, आग जो तबाही मचा दे। वादा कर मुझसे कि तू एक दिन राजा बनेगा, ऐसा राजा जो पूरी दुनिया बदल दे। वादा कर मुझसे कि तू एक पिल्ले की जिंदगी नहीं, एक राजा की जिंदगी जिएगा, एक सेठ की जिंदगी जिएगा। वादा कर। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ, एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, वादा करता हूँ। आज से एक टाइम का खाना नहीं बनेगा, एक ही टाइम का खाना बनाना, उसी में हम लोग खा के गुजारा कर लेंगे। छोटू के लिए बनाना, खा लेना, जो बचा रहेगा हम खा लेंगे, कि पैसा नहीं है, काम सही चल नहीं रहा है, बच्चे का एडमिशन करवाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसे हमें पूरा करना है, पता नहीं कैसे होगा। फिक्र मत कीजिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात बोलूं बेटा, दुनिया पे वही राज करता है जिसके पास ताकत होती है। हम तुम्हें ताकत नहीं दिला सकते, पर हम तुम्हें पढ़ा सकते, पढ़ लिख कर तुम्हें अपनी दुनिया का राजा खुद ही बनना होगा। ठीक पापा। और याद रहे, आज से तुम्हारी दुनिया के
पढ़ने आए हैं, जूता उता है नहीं, पढ़ने पढ़ने आए हैं। चुप रहो तुम लोग, ये क्या बदतमीजी है? नया बच्चा है, ऐसे नहीं कहते हैं। बेटा तुम्हारी स्कॉलरशिप आएगा तो जूता ले लेना, ठीक है? जाओ पढ़ो आराम से, क्लास में जाओ। चुप रहना तुम लोग, बोलना मत। ठीक सर। पापा, अरे छोटू, काफी तैयार हो गए हो आज, हाँ? तो मम्मा ने बहुत जल्दी तैयार कर दिया, जल्दी आओ अपना झोला लेकर के, आज स्कूल चलना है, देर हो रही है तुमको, जल्दी आओ। हाँ पापा, हाँ। पापा, मेरे दोस्त लोग गाड़ी से आते हैं स्कूल। मेरा भी मन करता है गाड़ी से जाने का, एक दिन मुझको भी गाड़ी से लेके चलो ना पापा। अरे छोड़ो बेटा ये सब, गाड़ी उड़ी बहुत मिलेगी, कोई सब बात में देख लेंगे, गाड़ी पे कब जाना है तुमको, गाड़ी से जाना है कि नहीं वो सब बात देख लेंगे। आज तुम्हें स्कूल में जाना है, आज शायद सुना हो तुम्हारे स्कूल में कुछ फंक्शन है, शायद तुम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, चलो जल्दी जल्दी चलो, देर हो रही है स्कूल की, गाड़ी आती जाती रहेगी, तुमको नई गाड़ी ला के देंगे, चलो। ठीक। अरे यार तुम इधर कहाँ, आज बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे भाई आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। वो अपना छोटू है ना, बहुत दिन से गाड़ी से जाना चाहता है स्कूल, और हमारे पास गाड़ी है तो नहीं, पैसा भी नहीं है कि हम गाड़ी खरीद लें, तो हम चाहते हैं कि एक दिन आप अपनी गाड़ी से। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बोलो बोलो। इसने एक दिन अपनी गाड़ी से छोड़ दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। अरे मैं तो अपने छोटू को अपना ही समझता हूँ, और मैं भी चाहता था कि छोटू को एक दिन स्कूल छोड़ने के लिए जाएँ। ये तो आपका बड़प्पन, घर से वापस को छोड़ दीजिए घर से। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अरे छोटू जल्दी आओ जल्दी, देखो कौन आया है, आज तुम अपनी मनपसंद गाड़ी के साथ अपने स्कूल जाओगे, जल्दी आओ। आओ आओ बेटा बेटा, कहाँ कहाँ आओ बेटो बेटो, कहाँ रह रहे हो? चले गाड़ी से नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे साइकिल से नहीं जाना पड़े, पर मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा, मुझे सिर्फ आपके ही साथ चलना है, चाहे मुझे साइकिल से ही जाना पड़े। मुझे पता था कि तुम मेरे बिना स्कूल नहीं जाओगे, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम हमारे साथ स्कूल चलो, चलो
अपनी साइकिल ली, हवाई जहाज है, चलो। अरे मास्टर साहब पढ़ा पढ़ा। अरे बैठे रहिए बैठे रहिए। हम देख रहे हैं बहुत दिन से आपका बच्चा काफी अच्छा कर रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा तो एक दिन वो बहुत बड़ी मुकाम हासिल करेगा। और हम सोचे कि ऐसे जा रहे हैं आपसे बता दें, कुछ बात कर लें। तो ठीक है, ऐसे ही लगा रहेगा तो एक दिन कुछ ना कुछ बन जाएगा। और ऐसे में उससे पूछा भी था तो वो बता रहा था कि हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पढ़ाई करते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा, आगे जाएगा आपका लड़का, बहुत होनहार है। अरे सुनती हो, पानी ले आओ, सराए हैं छोटू के, सराए हैं। अरे नहीं नहीं बस हम थोड़ी जल्दी में जा रहे हैं, फिर आएंगे। अच्छा चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली में IAS की कोचिंग बहुत अच्छी अच्छी है, तो आप अगर वहाँ भेज देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा हम चल रहे हैं, पढ़ा सकते हैं। ये बहुत खराब है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास के पढ़ाई करूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं बेटा, ये तबीयत तो सही खराब होती रहती है, पर पढ़ने का समय दोबारा नहीं आता। ये समय तुम्हारा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हें खुद तय करना है। जाओ अपनी पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, मेरी तबीयत सही हो जाएगी। कलेक्टर साहब आए हैं। कलेक्टर साहब आजकल के टीचर कलेक्टर बनेंगे। शायद अच्छा हो जाए। अरे भैया कोचिंग में तुम टॉप कर दिया है भैया, नंबर एक। देखो बेटा आपकी
कोचिंग में आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया चल रही है, अपना परफॉर्मेंस कोचिंग में बरकरार रखना। देखो बेटा, अगले मंथ में आपकी आईएएस की परीक्षा है, हमारे कोचिंग में आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, अपने उम्मीद को बरकरार रखना, अच्छे से तैयारी करना। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, मैं जाऊं? जाओ बेटा। खुश रहो। और बेटा सब ठीक है ना? आज तो तेरी परीक्षा है। जी मैम। परीक्षा में अच्छा नंबर मिले या ना मिले, नंबर की चिंता मत करना, बस तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से पेपर देना, ठीक है? जी ठीक है मैम। ठीक है ना? अच्छा मैं पढ़ाऊँ, परीक्षा से आने के बाद कॉल करूँगा। खुश रहो। Thank you.
दर्जनों के बाद आचार्य के फाइनली परीक्षा खत्म हुआ। पढ़ाऊँ? खुश रहो। हाँ माँ। और मेरा बच्चा ठीक है ना? हाँ माँ। आज तो तेरा रिजल्ट आ रहा है, चिंता मत करना किसी भी चीज का, जो होना था वो हो चुका है, बस तू लाइफ का एंजॉय कर। जी माँ। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ, खुश रहे। अरे यार अभी तक रिजल्ट आ नहीं रहा, अब लग कहाँ जाना चाहिए था। अरे यार अरे राजू गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, आज जश्न मनाने का दिन है। क्या रे तूने कमाल किया, अरे तू कलेक्टर परीक्षा में टॉप किया है, वो भी अव्वल नंबर से। अरे आज से तू आईएएस ऑफिसर है। एक बार फिर से बोलिए। हाँ 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 आईएएस ऑफिसर की परीक्षा में तूने टॉप किया, आज से आईएएस ऑफिसर बन गया है। मुट्ठे में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में वसाई, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझमें दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझमें दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हज रोशन करने से।
तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? जल्दी सामान पैक कर, तुझे कुछ स्पेशल जगह ले जाना है। आगे आप तो ऑफिसर बन के आगे भैया भैया आप तो ऑफिसर बन के आगे, तो अपना लड़का आ गया ऑफिसर बन के भैया आप मेरा लड़का आ गया, ये तो ऑफिसर बन के आ गया से देख रहा हूं, यहां गेट पे आप ही खड़ी है। पिताजी कहां है ना? आज इतने अच्छे अवसर पे मेरे पिताजी नहीं दिखाई दे रहे। मैं क्या देख रहा हूं? पिताजी कहां है? मां मां मैं आज अपने पिताजी को यह बताना चाह रहा था कि आज उनका लड़का अपने दुनिया का राजा बन चुका है। मैं क्यों नहीं बता सकता मां? कासू नहीं बता सकता? जो सपना मेरे पिताजी ने मेरे बारे में देखा था, आज मैंने वो पूरा कर दिया। वो हर एक चीज
जो मेरे पिताजी मेरे लिए चाहते थे, वो सारी चीज मैं आज अपने पिताजी के कदमों में लाके रखने के लिए तैयार हूँ, तो आज मेरे पिताजी क्यों नहीं है माँ? खास मैं एक बार अपने पिताजी से मिल पाता। क्यों नहीं माँ, क्यों? आपने क्यों नहीं बताया एक बार?